बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, इस साल तिल का रेट बहुत अच्छा है, लेकिन आपने सिर्फ रेट को देखते हुए तिल की फसल काश्त नहीं करनी, बल्कि आपने अपनी ज़मीन को, अपने रकबे को मद्देनजर रखते हुए तिल की फसल काश्त करनी है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि तिल की फसल हमारी ख़राब हो जाती है, सारा का सारा खेत बर्बाद हो जाता है अगर आपकी ज़मीन उस तरह की ना हो जिस तरह की ज़मीन के अंदर तिल की फसल काश्त करनी चाहिए। काश्त कभी अगर तो आपकी रेतली ज़मीन है तब तो आप तिल की फसल कामयाबी के साथ काश्त कर सकते हैं, अगर आपकी मैरा टाइप की ज़मीन है तब भी आप तिल की फसल काश्त कर सकते हैं, अगर आपकी पकेवट की ज़मीन है तब भी आप तिल की फसल काश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ऐसी ज़मीन है जिसके अंदर पानी खड़ा रहता है, ख़ास तौर पे अगर आप पानी एक दफ़ा लगाएं और 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक पानी खड़ा रहे, तो ऐसे खेत के अंदर, ऐसे रकबे के अंदर आपको तिल की फसल काश्त नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कलराठी नमकियात वाली ज़मीन है उस रकबे के अंदर भी आपको तिल की फसल काश्त नहीं करनी चाहिए, सेम ज़्यादा ज़मीन के अंदर भी आपको तिल की फसल काश्त नहीं करनी चाहिए। अगर आपका रकबा हमवार नहीं है, लेज़र लेवल के ज़रिए हमवार नहीं है, किसी जगह पे पानी ज़्यादा खड़ा रहता है, किसी जगह पे पानी कम रहता है, तब भी आपको तिल की फसल काश्त नहीं करनी चाहिए। ऐसी सूरत के अंदर होता क्या है कि ऐसे रकबों के अंदर जब पानी खड़ा हो जाता है, तिल के खेत के अंदर अगर 10 से 12 घंटे पानी खड़ा हो जाए, सारे के सारे पौधे मुरझा जाते हैं, पूरा का पूरा खेत आपका बर्बाद हो जाता है। काश्तकार भाई, इसके अलावा तिल की फसल काश्त करने से पहले आपको तरीके काश्त का जानना भी बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपकी रेतली ज़मीन है तब तो आप छट्टे के ज़रिए ही तिल की फसल काश्त कर दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब भी आप पानी लगाएंगे पानी जज़ब हो जाएगा, आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी मैरा टाइप की ज़मीन है या पक्केवट की ज़मीन है, तो फिर आपको चाहिए कि आप वटें बना दें, यानी बीज का छट्टा करें और उसके बाद वटें बना दें। इस तरह से क्या होगा कि पौधे आपके वटों के ऊपर होंगे, पानी दरमियान में नालियों के अंदर होगा, आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। काश्तो इसके अलावा अगर आपकी पक्केवट की ज़मीन है तब तो आपको चाहिए कि आप बेड बना के बीज के चौके लगवा लें, यानी आप मकई वाला बेड बना लें या आप कपास वाला बेड बनाएं, 2-2.5 फुट का बेड बनाएं और उसके ऊपर 4 इंच या 6 इंच के फासले के साथ तिल के बीज के चौके लगवा दें। बीज अगर ज़्यादा भी लग जाए तो फालतू पौधे बाद में सारे के सारे निकलवा दें, छिदराई करवा दें। तो इस तरह से अगर आप तिल की फसल अपनी ज़मीन को देखते हुए काश्त करेंगे तब तो आप इसे कामयाब कर लेंगे, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।